डेल्टा कॉर्प का स्टॉक करंटली डाउन है बाय ट्वेंटी फाइव परसेंट एट द टाइम ऑफ मेकिंग दिस वीडियो वहीं नज़ारा का स्टॉक भी डाउन है बाय ऑलमोस्ट फाइव परसेंट जबकि मार्केट जब ओपन हुआ था तब नज़ारा का स्टॉक डाउन था बाय ऑलमोस्ट फिफ्टीन परसेंट वहाँ से थोड़ा थोड़ी सी रिकवरी हुई है उसका भी रीजन हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं तो न्यूज क्या है न्यूज के बारे में शायद आपको पता चली गया होगा मैंने सुबह मॉर्निंग न्यूज में भी इसके बारे में बताया था कि जीएसटी काउंसिल ने यह डिसाइड किया है कि वो ट्वेंटी परसेंट टैक्स ट्वेंटी एट परसेंट जीएसटी लेवी करने वाले हैं ऑन ऑनलाइन गेमिंग एट दी फुल फेस वैल्यू यानी जितने भी वैल्यू की बेट यहां पर प्लेस की जाएगी उस पर 28 परसेंट जीएसटी डायरेक्टली लग जाएगा ये एक जीएसटी काउंसिल का सर्कुलर कल आया था आफ्टर दी एंड ऑफ मार्केट आर्स अराउंड 6 पी एम सेवन पी के आसपास सर्कुलर रिलीज हुआ था तो उसके बाद आज ओपनिंग से ही डेल्टा कॉर्प जो बिजनेस टोटली totally अफेक्ट होता है ड्यू टू दिस सर्कुलर उसका स्टॉक नीचे रहा बाय 25 परसेंट नजारा टेक्नोलॉजीज भी डाउन रहा बाय 5 परसेंट तो चलिए समझते हैं इस सर्कुलर uh, के डिटेल्स को एंड कैसे एग्जैक्टली exactly अफेक्ट करेगा इन कंपनीज को ये सारी चीजें हम इस वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं तो गवर्नमेंट ने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया कि ट्वेंटी एट परसेंट टैक्स लगेगा और ये किन किन चीजों पे लगेगा ऑनलाइन गेमिंग एक उन्होंने स्पेसिफिकली कहा है इसके अलावा हॉर्स रेसिंग पे भी ये लगेगा एंड कसीनोज पे भी ट्वेंटी एट परसेंट का जीएसटी लगने वाला है ये एक्सपेक्टेड था कि गवर्नमेंट कोई डिसीजन लेने वाला है कुछ रेगुलेटरी एंगल आने वाला है इस बिजनेस में लेकिन जो डिसीजन अब तक हुआ नहीं था वो इस पर था कि ये 28 परसेंट एग्जैक्टली exactly किस अमाउंट पर लगने वाला है क्या ये टोटल अमाउंट ऑफ बेट या फिर टोटल फेस वैल्यू जो भी कंसिड्रेशन uh, होगा उस पर लगने वाला है या फिर जो प्लेटफॉर्म फी है उस पर लगने वाला है या फिर uh, जो ग्रॉस गेमिंग रेवेन्यू है जैसे जी कहते हैं इन द गेमिंग इंडस्ट्री पैरलेंस तो क्या ग्रॉस गेमिंग रेवेन्यू पे ही लगने वाला है तो ये सारी क्लैरिटी अब तक आना आ, 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 आनी बाकी थी तो उस पर थोड़ी सी क्लैरिटी यहां पर आ गई है एंड गवर्नमेंट ने यह कह दिया है कि जो टोटल फेस वैल्यू है उसी पर 28 परसेंट का जीएसटी लगने वाला है तो ये डेल्टा कॉर्प जैसी कंपनी के लिए काफी डिट्रीमेंटल है हम एक एग्जांपल लेके भी समझेंगे कि एग्जैक्टली टैक्सेशन कैसे चेंज हो रहा है गवर्नमेंट ने ये क्लियरली यहाँ पर जीएसटी काउंसिल ने यहाँ पर एक क्लियरली ये बता दिया है कि गेम चाहे लक का हो स्किल का हो दे आर नॉट डिफ्रेंशिएटिंग गेम किस टाइप का है अगर ऑनलाइन गेमिंग है जिस पर एक कंसिडरेशन चार्ज हो रहा है तो उस पर 28 परसेंट ऑन दी फुल वैल्यू ऑफ द कंसिडरेशन जीएसटी भरना पड़ेगा ये गवर्नमेंट ने यहाँ पर क्लियरली बता दिया है अब तक क्या था अब तक ये था कि जो प्लेटफॉर्म फीस या फिर जो एक फी Uh, जो प्लेटफॉर्म चार्ज कर रहा था उसी पर ये टैक्स की अमाउंट जो है वो चार्ज की जाती थी तो अब वो टैक्स की अमाउंट टोटल कंसिडरेशन पे आ जाएगी तो एक एग्जांपल से समझते हैं कि कैसे यहां पर टैक्सेशन चेंज हो रहा है तो अर्लियर जो सिस्टम था उसमें कैसे था कि अगर फॉर एग्जाम्पल कोई हंड्रेड रुपीज की बेट लेने वाला है ऑन सम इवेंट ऑकरिंग और नॉट ऑकरिंग वेदर इट वॉज वेदर इट वॉज फॉर द दर्पज ऑफ लक और फॉर द दर्पज ऑफ स्किल हंड्रेड अगर कोई पे करता है फॉर एग्जाम्पल अगर जो भी प्लेटफॉर्म है Uh, उसने अगर ट्वेंटी परसेंट एक प्लेटफॉर्म फी चार्ज की है टू द यूजर तो उस ट्वेंटी ट्वेंटी रुपीज की uh, जो फी है दैट इज ट्वेंटी परसेंट ऑफ दंड्रेड रुपीडन दैट तो उस ट्वेंटी रुपीज पे एटीन uh, परसेंट का जीएसटी लगता था विच कम्स टू रुपीज थ्री पॉइंट सिक्स रुपीज एंड ये जो प्लेटफॉर्म uh, था वो चार्ज करता था टू द कस्टमर सो बेसिकली यहां पर टैक्स थ्री पॉइंट सिक्स रुपीज का लगता था ऑन अ बेट दैट वॉज टेकन फॉर रुपीज हंड्रेड अभी चेंज ये हो गया है कि अभी गवर्नमेंट कह रहा है कि जो हंड्रेड रुपीज की कंसिडरेशन पहले चार्ज कर दी गई है उसी पर ट्वेंटी एट परसेंट डायरेक्ट जीएसटी पे करना पड़ेगा यानी यही एग्जाम्पल में अगर हंड्रेड रुपीज की बेट अगर कोई लेता है प्लेटफॉर्म फीस ट्वेंटी ट्वेंटी रुपीज हो रही है 28% जीएसटी जो है वो हंड्रेड रुपीज पर ही लग जाएगा दैट इज ट्वेंटी एट का जीएसटी ही यहां पर इनकर हो रहा है जो पहले के केस में लगभग थ्री थ्री पॉइंट ही हुआ करता था वो अब ट्वेंटी एट हो गया है अंडर दी न्यू लॉ दैट हैज बीन पास बाई दी जीएसटी काउंसिल तो ये एक बहुत बड़ा इंपैक्ट टैक्सेशन के बेसिस पर यहां पर पड़ रहा है कंपनीज को डायरेक्टली अफेक्ट नहीं करता बिकॉज कंपनीज इवेंचुअली क्या करेंगी वो उनके कस्टमर से ही ये रिकवर करेंगी लेकिन इनके शेयर प्राइस इतने नीचे क्यों है बिकॉज इससे उनका डिमांड ही अफेक्ट हो रहा है अगर कोई कस्टमर ये देखेगा कि एट द टाइम ऑफ टेकिंग द बेट इट वो माइनस ट्वेंटी हो चुका है उसकी बेट देन देर इज अ पॉसिबिलिटी कि यहाँ पर डिमांड जो है वो बहुत ज्यादा कम हो जाएगी इसी वजह से मार्केट इज पनिशिंग द स्टॉक्स ऑफ डेल्टा कॉर्प एंड नजारा टेक अब नजारा टेक के, के केस में सिचुएशन ऐसी है कि एट द टाइम ऑफ ओपनिंग द प्राइस वॉज डाउन बाय फिफ्टीन परसेंट उसके बाद कंपनी ने एक सर्कुलर जारी किया ऑन बी एस सी जहां पर उन्होंने ये कहा कि जो सर्कुलर जीएसटी काउंसिल ने दिया है ऑन द ट्वेंटी एट परसेंट जीएसटी लेवी वो उनके सिर्फ 5.2 परसेंट ऑफ रेवेन्यू को अफेक्ट करता है जो इस चीज से रिलेटेड है वेदर इट इज ऑनलाइन गेमिंग और बेसिकली uh, बेस्ड uh, जो बिजनेस है या फिर ऑनलाइन गेमिंग बेस्ड जो बिजनेस है वो एफआर ट्वेंटी थ्री में सिर्फ फाइव पॉइंट टू परसेंट ऑफ द रेवेन्यू था तो उसके बाद थोड़ी सी रिकवरी नजारा के स्टॉक प्राइस में यहां पर देखने को मिली करंटली एट द टाइम ऑफ मेकिंग दिस वीडियो नजारा इज डाउन बाय अराउंड थ्री तो एंड हाफ परसेंट तो इस तरह से टैक्सेशन रेजिम जो है वो यहां पर चेंज हो गया है इसी वजह से स्टॉक्स में इतनी ज्यादा गिरावट आज देखने को मिल रही है तो गैम्बलिंग के बिजनेस में हमेशा इट इज सेट गवर्नमेंट इज फ्रॉम द सर्कुलर दैट जीएसटी काउंसिल ने जारी किया है तो इससे हमें पता क्या चलता है इससे हमें क्या करना चाहिए या फिर डेल्टा कॉर्प जैसी कोई कंपनी अगर है तो हमारा अप्रोच कैसा होना चाहिए uh, अगर आपने मार्च डेल्टा कॉर्प के नंबर होंगे तो बहुत बार इन्वेस्टर्स uh, ऐसे नंबर्स देख के ये एक जजमेंट बनाते हैं कि नंबर्स काफी इंप्रूव हो रहे हैं गेमिंग इंडस्ट्री में बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स भी आ रहे हैं तो हो सकता है कि दिस माइट बी अ कंपनी जो काफी ग्रो हो सकती है लेकिन ऐसे जो भी सेगमेंट्स होते हैं विच रिवॉल्व अराउंड ऑनलाइन गेमिंग या फिर बेटिंग और कसिनोस यहां पर रेगुलेटरी ओवरहैंग बहुत बड़ा रिस्क होता है जिसे हमें एज एन इन्वेस्टर कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए एंड ऐसे सिचुएशन जैसे आज आए हैं उसमें हमें पता चलता है कि मार्केट रेगुलेशन या फिर रेगुलेटरी रिस्क कितनी कितना बड़ा

एफ एंड ओ या फिर ट्रेडिंग पर अब तक कोई टैक्स यहाँ पर गवर्नमेंट ने uh, लेवी नहीं किया है सो दैट रिमेन्स एन एरिया जहां पर स्पेकुलेशन uh, uh, और भी uh, अभी भी हो सकता है बट दैट्स जस्ट अ कमेंट ऑन अ लाइटर नोट सो दैट वॉज आर वीडियो ऑन वाई डेल्टा कॉर्प स्टॉक फेस्ड सच ड्रॉ डाउंस टूडे ट्वेंटी फाइव परसेंट से स्टॉक नीचे रहा है uh, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो लाइक जरूर कीजिए कमेंट कीजिएगा एंड शेयर भी कीजिए विद मैक्सिमम पीपल हमारी वेबसाइट इन्वेस्ट चेतना डॉट इन को चेक करना मत भूलिए ट्वेंटी फाइव परसेंट का डिस्काउंट हमारे मॉडल uh, पोर्टफोलियोज पर स्टॉकोमीटर एंड बाकी सारे प्रोडक्ट्स पर करंटली मिल रहा है आपको कूपन कोड यूज करना है मॉनसून इसके साथ आपको एक फ्री ई लर्निंग कोर्स भी मिलेगा आशा करता हूं कि आपको यह छोटा वीडियो अच्छा लगा होगा मिलते हैं अगले वीडियो में थैंक यू सो मच